नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर और मैं हूं नीतेश। दोस्तों यहां बात करेंगे हम विशेष रूप से स्टेबलाइजर्स के बारे में। ये स्टेबलाइजर्स वो हैं जो मेनली रेफ्रिजरेटर्स के लिए ही बनाए गए हैं। अब आपका फ्रिज या आपका रेफ्रिजरेटर आप ये देख लें कि कितने लीटर का है, सिंगल डोर है या डबल डोर, मैं उसी हिसाब से यहाँ स्टेबलाइजर्स का विवरण एक बार आपके सामने दे रहा हूँ, पूरी जानकारी एक बार आपको दे रहा हूँ। आपको जो भी स्टेबलाइजर पसंद है वो आप अपने हिसाब से या तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। रेफ्रिजरेटर के लिए सबसे शानदार ये स्टेबलाइजर्स हैं। अब पहला हम देखेंगे वी गार्ड का है, ये मॉडल है VGSD50 स्मार्ट स्टेबलाइजर विद डिजिटल डिस्प्ले फॉर रेफ्रिजरेटर। अब इसमें ऊपर मॉडल में दिया हुआ है अप टू 300 लीटर, यानी कि 300 लीटर से ऊपर का अगर आपका फ्रिज है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेटर है। अब इसके फीचर्स एक बार हम देख लेते हैं, यानी कि एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशन में देखेंगे हम सिंगल डोर डबल डोर रेफ्रिजरेटर अप टू 300 लीटर 2 एम्पियर, यानी कि अगर आपका फ्रिज चाहे सिंगल डोर है या डबल डोर है और अगर 300 लीटर से ऊपर 2 एम्पियर तक का है तो ये स्टेबलाइजर आपके लिए सही है। वर्किंग रेंज इसकी है 132 to 290 वोल्ट। एनश्योर रेफ्रिजरेटर फंक्शनिंग अंडर वाइड वोल्टेज रेंज, यानी कि अगर जो वोल्टेज बार बार फ्लक्चुएट होता है और बहुत वाइड आता है तो भी ये उसके अंदर भी काम करता है। 7 सेगमेंट है इसके, डिजिटल डिस्प्ले में ये आपको मिलता है जिसमें आप चेक इनपुट और आउटपुट वोल्टेज ऑन दी डिजिटल स्क्रीन, यानी कि इसकी डिजिटल स्क्रीन पर आप जो है इनपुट और आउटपुट को चेक कर सकते हैं। वर्जिन ABS कैबिनेट, यानी इसकी ABS जो कैबिनेट है वो ABS बॉडी की बनी हुई है, करंट प्रूफ होती है ये फॉर सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी और काफ़ी मतलब ड्यूरेबल है, यानी गिर भी जाए तो नहीं टूटेगा। स्पेशली डिजाइंड पैकेजिंग फॉर दी सेफ ई कॉम डिलीवरी, ई कॉम से मतलब है ई कॉमर्स, यानी कि आप इसको ऑनलाइन मंगाते हैं तो इसकी डिलीवरी सेफ है और आपको अपने घर पर ये बिना टूट फूट के मिल जाएगा। इसका जो कीमत है, प्राइस है, वो है 1739 रुपये। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अब नंबर दो पर हम देखेंगे, ये नंबर दो पर हम ये पहुँच जाते हैं, ये है आपके वर्लपूल का मेटल ड्यूरोमैक्स रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर अप टू 450 लीटर, ब्लू और ग्रे कलर में आपके लिए उपलब्ध है, यानी कि ये वर्लपूल कंपनी का है, मेटल का बना हुआ है और ये 450 लीटर से ऊपर का अगर आपका फ्रिज है, 450 लीटर का है तो ये आपके लिए अच्छा है। इसमें दिया हुआ भी है 1 साल तक आप इसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं यदि कोई मैन्युफैक्चरर प्रॉब्लम है तो, ये इसकी वारंटी है। वोल्टेज इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है, 7 सेगमेंट में इसका डिस्प्ले है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इनपुट एक बार देख लेते हैं, वो है इसका 100 VAC। VAC का मतलब क्या होता है, वोल्टेज AC पावर, एक्चुअल में जो हमारे अप्लाइंसेज हैं वो AC पावर में चलते हैं तो उसका वोल्टेज दिया हुआ है कि इसका जो इनपुट है वो है 100 VAC से 280 VAC और अगर इसका आउटपुट देखेंगे हम तो 175 से 245 VAC। अब कई बार सवाल पूछा था कि सर ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है, ये गैप क्यों आता है, तो ये हमारी बिजली बार बार आती जाती है तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें जो कट ऑफ होता है, उसमें जो मार्जिन होता है, उसकी वजह से ये आपको आउटपुट थोड़ा सा कम देता है। अब लो हाई इंडिकेशन इसमें दिया हुआ है, वोल्टेज आपका जैसा होगा वैसा ही इंडिकेट आपको कर देगा और 100 VAC से लो है या 280 से ऊपर है तो ये आपको लो और हाई इंडिकेट कर देगा। इसका रेट एक बार देख लें आप, 2050 रुपये यहाँ इसका रेट है। आप चाहें तो इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी मंगा सकते हैं या मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। अब अगला हम एक बार देख लेते हैं, ये है साइमन कंपनी का साइमन वोल्टेज स्टेबलाइजर फॉर रेफ्रिजरेटर, यानी कि स्पेशली ये रेफ्रिजरेटर के लिए ही है स्टेबलाइजर जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ये 350 लीटर से ऊपर के जो फ्रिज हैं, 350 लीटर तक के हैं, उनके लिए ठीक है। दिस स्टेबलाइजर हैज इनपुट वोल्टेज, अब इसका इनपुट वोल्टेज देख लीजिए आप, 165 लीटर से 270 जो है वोल्टेज तक, 165 वोल्टेज से 270 वोल्टेज तक, विच मीन्स इट कैन स्टेबलाइज एनी इनकमिंग वोल्टेज बिटवीन दिस रेंज टू रेगुलर वोल्टेज अबाउट 220 वॉट टू 230 वॉट, यानी कि इस रेंज में आपके 165 से 270 तक इस बीच कोई भी आपकी फ्लक्चुएट होती है बिजली तो ये उसको जो स्टेबलाइज करता है 220 से 230 वोल्टेज पर। परफॉर्म इन वाइड इनपुट रेंज और प्राइमरी स्विचिंग टेक्नोलॉजी, ये तो सामान्य चीजें हैं। आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो ये इसमें करेक्शन विदाउट ब्रेक ओके, यानी आउटपुट वोल्टेज करेक्शन विदाउट ब्रेक, यानी कि ये बहुत ही जल्दी इसको करेक्ट करता है बिना किसी झटके के,
कंप्लीट मेटल बॉडी बनी हुई है। इसका रेट देखेंगे तो काफी सस्ता है, 999 रुपए ओनली इसका रेट दिया हुआ है। इसके और भी फीचर आप देख सकते हैं। इसे भी अगर आप परचेज करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ एक और स्टेबलाइजर है, वो भी रेफ्रिजरेटर के लिए ही है। यह है एवरेस्ट का स्टेबलाइजर फॉर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। अमूमन घरों में सिंगल डोर हुआ करते थे, अब डबल डोर आते हैं, पर फिर भी जो सिंगल डोर फ्रिज जिनके घर में है या जो नए ले लिए हैं पुराने हैं उनके लिए ये अच्छा है। मॉडल है EPS 50, चेरी रेड कलर में है ये। ये ABS प्लास्टिक का बना हुआ है कैबिनेट इसका, और ड्यूरेबल है, गिरेगा तो टूटेगा नहीं। टेबल टॉप मॉडल है, यानी कि टेबल पे भी आप इसको रख सकते हैं, फ्लैट मॉडल है। यूज्ड फॉर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर, ये समझ में आ गया होगा कि सिंगल डोर फ्रिज के लिए है। 40% करंट सेविंग है इसमें बॉस, ये बहुत ही अच्छी चीज है। नॉइस लेस, कोई शोर नहीं करता किसी भी तरीके का। ये दोनों ही चीजें, ये जो फंक्शन है इसमें 40% करंट सेविंग और नॉइस लेस, ये ऊपर बताए गए तीनों स्टेबलाइजर्स में नहीं था, इसमें ये मेंशन किया गया है। वर्किंग रेंज देख लें इसकी, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट तो इसका 170 से 270 है और आउटपुट है 200 वोल्ट से 270 वोल्ट, ये मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। ये क्या करता है, आपको एनश्योर रेफ्रिजरेटर फंक्शनिंग अंडर वाइड वोल्टेज रेंज, मतलब ये अगर फ्लक्चुएट होती है तो उसको मैनेज करता है, ये सारे ही करते हैं। स्पेस सेविंग कॉम्पैक्ट डिजाइन, यानी कम जगह घेरता है, बहुत ही इस आकार में है कि आपकी जगह कम घेरेगा। हाई एंड लो वोल्टेज मैनेजमेंट इसमें किया हुआ है। बुल्ट इन थर्मल ओवरलोड, बुल्ट इन थर्मल ओवरलोड यानी कि जिस पर आप इसको सेट करेंगे ये उससे ऊपर ओवरलोड जाने पर आपको जो है ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। दिया हुआ भी है इसमें लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ। अब वारंटी की बात करें तो 5 साल की इस पर वारंटी है। वारंटी हमेशा मैन्युफैक्चरिंग पर होती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट पर होती है। इन केस ऑफ एनी प्रोडक्ट इशू और सर्विस, यानी कि इसकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम है या मैन्युफैक्चरिंग में है तो ये आपकी वारंटी 5 साल तक की है, इस आप ठीक करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट एवरेस्ट सर्विस कस्टमर केयर, कस्टमर केयर नंबर जो है आपका ये इसके पैकेज में भी दिया हुआ है। इसका रेट देखें आप, 900 रुपये है, और आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे खरीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मार्केट से भी इस स्टेबलाइजर को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, कोई क्वेरी आपकी तो आप जरिए कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर कर रहे हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।